نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال تعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون حاضرین جمعہ پردہ نشین خواتین اسلام اللہ کا شکر ہے کہ رحمتوں والے برکتوں والے مہینے میں ہم سانس لے رہے ہیں گزشتہ رمضان کرونا کی آزمائش کی وجہ سے رمضان کو جیسے گزارنا تھا ویسے ہم گزار نہیں سکے جیسے رمضان میں
रमज़ान की रौनकें हम देखना चाहते थे, हम देख नहीं सके क्यों। हर तरफ खौफ के साए, हर तरफ मौत के साए मंडला रहे थे। गरचे कि हमने रमज़ान को पाया और तरावी भी अदा किए, रोज़े भी रखे, ईद की नमाज भी अदा किए, मगर रमज़ान की जो रौनकें होती हैं उसको हम पा नहीं सके। वो मसाजिद में तरावी का अहतमाम, वो ईदगाह में ईद की नमाज का अहतमाम, वो इफ्तारी के मनाजिर, खूबसूरत मनाजिर, ये सब हम पा नहीं सके। मगर अल्लाह का शुक्र है इस रमज़ान, हम रमज़ान की सही रौनकें देख रहे हैं। रूहानी माहौल, नूरानी माहौल, ईमानी मंज़र, ये सब हमको अल्लाह ताला ने देखने का मौका दिया है। वरना गुज़िश्ता रमज़ान बहुत सारे हमारे अल्लाह के नेक बंदे गुज़िश्ता रमज़ान हमारे साथ थे, लेकिन इस रमज़ान वो अल्लाह के प्यारे हो चुके हैं। इसलिए जितना हो सके हमको अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए और इस रमज़ान की कदर करते हुए, इज्जत करते हुए खूब नेकियां कमाने की कोशिश करनी चाहिए। हजरत, आज जुमे के खुतबे में जो उन्वान लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ वह है माह रमज़ान और तकवा। तकवे का माह रमज़ान से बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है और आज के इस खुतबे में जो भी बातें मैं कहूँगा इसका पहला मुखातिब मैं खुद रहूँगा। हजरात, ये महीना तरबियत का महीना है। ये महीना ये बताने के लिए आया है बाकी 11 महीने हमको कैसे गुजारना है, झूठ से कैसे बचना है, गीबत से कैसे बचना है, ज़ुबान की कैसे हिफाजत करना है, मस्जिद से कैसे ताल्लुक़ मजबूत करना है, अल्लाह से कैसे ताल्लुक़ मजबूत करना है, कुरान से कैसे ताल्लुक़ मजबूत करना है, नमाज़ों का अहतमाम कैसे करना है, रोज़ों का अहतमाम कैसे करना है, ये सारी बातों को अल्लाह ताला ने सिर्फ़ एक लफ्ज़ तकवा में, तकवा से ताबीर करते हुए फरमाया, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। रोज़े फ़र्ज़ करने का मकसद क्या है? रमज़ान में ज़िंदगी गुजारने का मकसद क्या है? फरमाया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवे वाले बन जाओ, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। गोया तकवा ये सबक देने आया है कि ज़िंदगी में नेक बनना है, मुत्तकी बनना है। जिसने रमज़ान के महीने को पाकर भी तकवे का सबक हासिल नहीं किया उसको भूखा प्यासा रहने के सिवा कुछ अजर मिलने वाला नहीं। रमज़ान को पाकर भी जो ज़ुबान की हिफाजत नहीं किया, झूठ से परहेज नहीं किया, उसको भूखा प्यासा रहने के सिवा कुछ मिलने वाला नहीं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मल्लम यदा कौल वज़ूर वल अमल बिही फलैस लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तुआमहु व शराबहु। जो आदमी रमज़ान को पाए और झूठ बोलना ना छोड़े और झूठ पर अमल करना ना छोड़े, ज़ुबान की हिफाजत ना करे, अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारा भूखा प्यासा रहना। अल्लाह को भूख प्यास की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ये देखना चाहता है कि रोज़े के ज़रिए से बंदा मुत्तकी बनता है कि नहीं, ज़ुबान की हिफाजत करता है कि नहीं। जैसे रोज़े का माना क्या है? रोज़े का माना है, सौम का माना है रुक जाना, बच जाना। लगभग यही माना तकवे में भी पाया जाता है। तकवे का मतलब यह है अपने कान को बुराई के सुनने से रोकना है,
तकवे का मतलब यह है आंखों को बुरा देखने से रोकना है। तकवे का मतलब यह है हाथों को बुराई को पकड़ने से रोकना है। तकवे का मतलब यह है पैरों को बुराई की तरफ चलने से रोकना है। तकवे का मतलब यह है दिलो दिमाग को बुरा सोचने से रोकना है, बुरे ख्यालात से, गंदे ख्यालात से रोकना है। अपने ख्यालात को पाक करना यही तकवा है। और तकवे का ताल्लुक दिल से है। दिल जब पाक होगा जिस्म के दूसरे आज़ा व जवारेह पाक होंगे। जैसे रोज़े में हम हर चीज़ से बचते हैं, रोज़े का बहुत बड़ा पैगाम यही है हर बुराई से हम बचें। तकवा क्या है? ज़िंदगी का, ज़िंदगी में बंदगी का बहुत बड़ा मेराज है तकवा। बंदगी का मेराज है तकवा। खुश नसीब है वो इंसान जो ज़िंदगी में मेहनत करके, इताअत करके, अल्लाह की बंदगी करके अपना नाम मुत्तकियों की फहरिस्त में लिखा लेता है। खुश नसीब है वो इंसान जो अपना नाम नेकियां करके, बंदगी करके, मेहनत करके मुत्तकियों के फहरिस्त में लिखा लेता है। तकवा ये वो मकाम बंदगी है, बंदगी का ये ऊंचा मकाम है जिसको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मांग कर लिया था। प्यारे नबी ने अल्लाह से मांग कर लिया था तकवा। प्यारे नबी ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वलआफाफा वलगिना। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे मांगता हूँ हिदायत को, मैं तुझसे हिदायत को मांगता हूँ, तकवे को मांगता हूँ, पाक दामनी को मांगता हूँ, बेनियाजी को मांगता हूँ। ये बंदगी के आला मरातिब हैं। जब भी आप दुआ करो तकवे का सवाल करो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा मुत्तकी दुनिया में ना आया है और ना आ सकता है। इन्नी लआलमकुम बिल्लाह वअतकाकुम लहू। प्यारे नबी ने खुद फरमाया, मैं तुम में सबसे ज़्यादा जानने वाला और सबसे ज़्यादा तकवे वाला हूँ। इतने बड़े मुत्तकी होने के बावजूद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से तकवे का सवाल करते थे। और मुझे और आपको बदरजे औला अल्लाह से तकवा मांगना चाहिए। तकवा वो चीज़ है जिसके ज़रिए अल्लाह के पास हमारा मकाम व मर्तबा तय होता है। हमारा मर्तबा अल्लाह के पास क्या है, हमारा मकाम अल्लाह के पास कितना ऊंचा है, ये तकवा बताता है। ये तकवा बताता है हमारा ख़ानदान दुनिया में इज्जत दे देगा मगर आखिरत में नहीं। हमारा ओहदा व मनसब दुनिया में इज्जत दिला देगा मगर आखिरत में नहीं। हमारी कुर्सी दुनिया में इज्जत दिला देगी मगर आखिरत में नहीं। हमारे ताल्लुकात दुनिया में इज्जत दिला देंगे मगर आखिरत में नहीं। हमारी दौलत दुनिया में इज्जत दिला देगी आखिरत में नहीं। हमारी दौलत, हमारी शोहरत ये सिर्फ दुनिया में रह जाएगी मगर अल्लाह के पास आखिरत में दर्जात मरातिब किसको मिलने वाले हैं, अल्लाह के पास ऊंचा दर्जा किसको मिलने वाला है। फरमाया, इन अकरमकुम इंदल्लाह अतकाकुम। अल्लाह के पास अल्लाह की नज़र में सबसे ज़्यादा इज्जत वाला तकवे वाला है। दौलत वाला नहीं, ओहदा वाला नहीं, खूबसूरती वाला नहीं, बड़े बड़े बंगलों वाला नहीं। अल्लाह के पास तकवा ही इज्जत दिलाने वाला है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तकवे वाले का मकाम व मर्तबे को बताते हुए फरमाया कि इन अवलन नास बी अल मुत्तकून मन कानू व हैसु कानू। कयामत के दिन मुझसे करीब सबसे ज्यादा मुत्तकी होंगे। कयामत के दिन मेरी कुर्बत के, मेरी मोहब्बत के सबसे ज़्यादा हकदार मुत्तकी लोग होंगे। क़यामत के दिन प्यारे नबी की नवाजिशें उसे मिलेंगी जो मुत्तकी है। प्यारे नबी की शफ़ात उसे मिलेगी जो मुत्तकी है। प्यारे नबी की मोहब्बत उसे मिलेगी जो मुत्तकी है। प्यारे नबी की कुर्बत उसे मिलेगी जो मुत्तकी है। तो गोया अल्लाह की नज़र में भी मुत्तकी का ऊंचा मकाम है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में भी मुत्तकी का ऊंचा मकाम है। इसलिए हजरात,
प्यारे नबी ने फरमाया जो भी हो जहाँ भी हो मुत्तकी का ऊंचा मकाम है, चाहे वो काला हो के गोरा हो, चाहे वो खूबसूरत हो के बदसूरत हो, चाहे वो अमीर हो के गरीब हो, चाहे वो मर्द हो के औरत हो, चाहे वो आज़ाद हो के गुलाम हो, मुत्तकी इंसान को ही प्यारे नबी फरमाते हैं मेरी कुर्बतों का वो हकदार बनेगा। लफ्ज़ तक्वा अपने मुख्तलिफ मुश्तकात के साथ कुरान करीम में कितने मरतबा आया है। तकवे का लफ्ज़ कुरान करीम में 240 से ज़्यादा मरतबा आया है। आप अंदाज़ा लगाएं तकवे का मकाम अल्लाह के पास कितना ऊंचा है। एक मरतबा दो मरतबा तकवे का लफ्ज़ कुरान में अल्लाह ने नहीं जिक्र किया, तकरीबन 240 मरतबा अल्लाह ने कुरान में तकवे का जिक्र किया ताकि लोग तकवे की अहमियत को समझें, अल्लाह से डर जाएं, बुराइयों से दूर हो जाएं और नेकियों से करीब हो जाएं। माह रमज़ान की हर इबादत तकवे का सबक देती है। रमज़ान की हर इबादत में आप गौर करो तकवे का मैसेज मिलता है। तकवे का माह रमज़ान की इबादत से बहुत ही गहरा ताल्लुक है। तकवे की जो अव्वलीन शर्त है, जो पहली शर्त है वो इखलास। इखलास जिसके अंदर नहीं वो मुत्तकी नहीं कहलाता। जिसके अंदर रियाकारी हो, दिखावा हो, अमल को अल्लाह को राज़ी करने के लिए नहीं करता, लोगों की तारीफ सुनने के लिए करता है, कोई भी नेकी करता है लोगों को बताते हुए फिरता है, ऐसा आदमी मुत्तकी बन नहीं सकता। माह रमज़ान इखलास का सबसे बड़ा सबक देता है, इखलास का सबसे बड़ा पैगाम देता है। आप नमाज पढ़ रहे हैं, दुनिया को मालूम हो रहा है कि आप नमाज पढ़ रहे हैं। आप रोज़ा रखते हैं, किसी को मालूम नहीं होता। आप हज करते हैं, दुनिया वालों को मालूम होता है कि आप हज कर रहे हैं। आप कुर्बानी करते हैं, दुनिया वालों को पता चल जाता है कि आपने कुर्बानी की है। आप तरावी पढ़ते हैं, दुनिया वालों को खबर हो जाती है कि आपने तरावी की नमाज अदा की है। सिर्फ एक इबादत है रोज़ा। मैं रोज़े से हूँ या रोज़े से नहीं हूँ ये मुझे मालूम और मेरे अल्लाह को मालूम, किसी तीसरे इंसान को मालूम नहीं हो सकता। तो रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसमें इखलास है, इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कुल्लु अमल इब्न आदम लहू इल्ला सौम। आदम की औलाद की हर नेकी का बदला उसके लिए मुकर्रर है सिवाय रोज़े के। फ़इन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिही, इसलिए कि बंदा रोज़ा मेरे लिए रखता है और मैं ख़ुद उसका बदला देने वाला हूँ। हालांकि हर इबादत हम अल्लाह के लिए अदा करते हैं, लेकिन क्या बात है कि अल्लाह ताला कहता है कि बंदा रोज़ा मेरे लिए रखता है। मतलब यह है हर इबादत में रियाकारी का शायबा हो सकता है सिवाय रोज़े के। रोज़ा जब बंदा रखता है अल्लाह के सिवा किसी को खबर नहीं होता कि बंदा रोज़ा रखा है। तकवे का एक तकाजा यह है कि हम हर आन हर लम्हा अल्लाह की निगरानी में है। तकवे का तकाजा यह होता है कि हर हमेशा हम अल्लाह की निगरानी में हैं। कोई देखे ना देखे अल्लाह हमें देख रहा है, कोई सुने ना सुने अल्लाह हमें सुन रहा है, कोई जाने ना जाने अल्लाह हमको जानता है, किसी को मालूम हो के ना हो अल्लाह को तो मालूम हो रहा है। ये पैगाम हमको रोज़ा देता है इन्नल्लाह कान अलैकुम रकीबा, अल्लाह ताला तुम्हारा निगरान है, तुम्हारी निगरानी कर रहा है। सीसी कैमरे की निगरानी में हम बैठे हुए हैं तो हम बुराई करने से डरते हैं, कुछ भी करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, ये भी कभी कभी धोखा दे सकता है। लेकिन अल्लाह की निगरानी ऐसी कड़ी निगरानी है, समंदर की अतः गहराई में आप क्या कर रहे हैं अल्लाह की निगरानी वहाँ भी है, पहाड़ों के गारों में आप क्या कर रहे हैं अल्लाह की वहाँ भी निगरानी है, रात के अंधियारे में आप छुपकर क्या कर रहे हैं, बंद कमरे में क्या कर रहे हैं वहाँ भी अल्लाह की निगरानी है, हवाओं में क्या कर रहे हैं, फिजाओं में क्या कर रहे हैं, जंगलों में क्या कर रहे हैं, तन्हाइयों में क्या कर रहे हैं, खलवतों में क्या कर रहे हैं, सब जगह अल्लाह की निगरानी होती है। ये सीसी कैमरा वहाँ होता है, एक महदूद जगह होता है बस। तो मुत्तकी इंसान वो हमेशा ये सोचता है कि हर जगह अल्लाह की निगरानी है,
अल्लाह ताला मुझे देख रहा है और रोज़े की इबादत ही में ये चीज़ छुपी हुई है। अल्लाह हर जगह मुझे देख रहा है, ये रोज़े की इबादत ये पैगाम देती है। कैसे? रोज़ेदार उसका हलक सूख गया है, प्यास से तड़प रहा है, बेहतरीन ठंडा शरबत रखा हुआ है, पीता है क्या? नहीं पीता। भूख लग रही है, सख्त भूख से तड़प रहा है, बेहतरीन खाने की नेमतें रखी हुई हैं, कोई देखने वाला भी नहीं है। रोज़दार खाता है क्या? खाता नहीं। क्यों? पीता नहीं इसलिए कि वो समझता है कि अल्लाह मुझे देख रहा है। खाता नहीं इसलिए कि वो सोचता है कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है। तन्हाई में छुपकर बुराई करता नहीं। क्यों? उसकी ये सोच होती है कि यहाँ तन्हाई में भी, बंद कमरे में भी अल्लाह ताला मुझे देख रहा है। रोज़े का सबसे बड़ा पैगाम ये है कि हर जगह अल्लाह मुझे देख रहा है। यही तकवे का पैगाम है, तकवे का मतलब यही है। बाकी ज़िंदगी भी रमज़ान की तरह अगर हमारी गुजर जाए, ऐसे इंसान के मुत्तकी होने में कौन शक कर सकता है। मशहूर वाकया हम बार बार सुनते हैं, तकवे की बात जब आई, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु गश्त कर रहे थे, आधी रात थी, आधी रात हजरत उमर रातों में गलियां गलियां फिर के लोगों की निगरानी करते थे, कौन तकलीफ में है, कौन परेशानी में है। एक जगह हजरत उमर ने देखा, एक घर से एक बच्ची की आवाज़ आ रही थी, बच्ची की माँ की आवाज़ आ रही थी। बूढ़ी माँ बेटी से कह रही थी, बेटी दूध में पानी मिला दे, दूध में पानी मिला दे। बेटी ने कहा, अम्मी जान, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक ने अपने बयान में फरमान जारी किया, मेरी हुकूमत में दूध में पानी मिलाना जायज़ नहीं है, दूध में पानी मिलाना धोखा है। माँ ने कहा, बेटी आधी रात का वक्त है, अमीरुल मोमिनीन यहाँ कहाँ है, वो कहीं घर में होगा। बेटी का जवाब सोने के हरूफ से लिखने के काबिल है। बेटी गच्चे की छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची के दिल में तकवा कैसा था। उस जमाने के लोगों में, बच्चों के दिलों में तकवा, हर जगह अल्लाह देख रहा है। बेटी का जवाब क्या था? बेटी ने कहा, अम्मी जान, अमीरुल मोमिनीन हो या ना हो, देखे या ना देखे, अमीरुल मोमिनीन का खुदा तो देख रहा है। अल्लाह ताला हमको देख रहा है कि हम बंद कमरे में रात के अंधियारे में दूध में पानी मिला रहे हैं कि नहीं मिला रहे हैं। तो यही तकवा है, ये रोज़ा यही मैसेज देता है। हर जगह अल्लाह से डरो। तन्हाई में छुपकर खाता नहीं रोज़दार, तन्हाई में छुपकर पीता नहीं रोज़दार, तन्हाई में छुपकर बुराई करता नहीं रोज़दार। अगर वो खाता पीता है, तन्हाई में बुराई करता है, तो फिर वो रोज़दार नहीं हो सकता, वो तकवे वाला नहीं हो सकता। इसी तरीके से हजरात, मुत्तकी इंसान नफ्स का पुजारी नहीं होता, मुत्तकी इंसान नफसानी ख्वाहिशात का गुलाम नहीं होता, मुत्तकी इंसान अपने दिल में आने वाले अरमानों को कुचलता है। वो समझता है दुनिया अरमानों को पूरा करने की जगह नहीं, दुनिया अरमानों को, ख्वाहिशों को कुचलने की जगह है। मुत्तकी अपने ख्वाहिशात का गुलाम नहीं होता, ख्वाहिशात को लगाम देता है, कंट्रोल करता है। रमज़ान इसीलिए आया है, अपनी ख्वाहिशात को आप कंट्रोल करो। ख्वाहिशात को कुचलने का महीना है रमज़ान, ख्वाहिशात को ब्रेक लगाने का महीना है रमज़ान, ख्वाहिशात को कंट्रोल करने का महीना है रमज़ान। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया, रोज़ा कितनी बड़ी इबादत है ख्वाहिशात को कुचलने के लिए, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुम अल्बाअ फलयतज़व्वज, ऐ नौजवानों की जमात, ऐ नौजवानों, तुम में से जिस किसी को भी शादी करने की ताकत है, फौरन शादी कर लिया करो। وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ, और जिसके पास शादी करने की ताकत नहीं, فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, उसे चाहिए कि रोज़ा रख ले। जवानी है, ताकत है, मगर शादी करने की कुदरत नहीं है, उसे चाहिए कि अपनी नफसानी ख्वाहिशात को कंट्रोल करने के लिए रोज़ा रख लें। فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءَ, इसलिए कि रोज़ा नफसानी ख्वाहिशात को कुचल देता है। रोज़ा तुम्हारी नफसानी ख्वाहिशात को कुचलता है। गोया के रमज़ान ये पैगाम देने के लिए आया है कि जिस तरह तुम रमज़ान में नफसानी ख्वाहिशात को कुचलते हो, बाकी 11 महीनों में भी, रमज़ान के अलावा जो महीने हैं उनमें भी नफसानी ख्वाहिशात को कुचलना है। हजरात इसी तरीके से देखिए,
ताल्लुक बिल्ला भी, अल्लाह से मजबूत ताल्लुक पैदा करना तकवे का ये बहुत बड़ा तकाजा है। तकवे का बहुत बड़ा तकाजा ये है अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करना। मुत्तकी इंसान की तन्हाइयां होती हैं, मुत्तकी इंसान की खलवतें होती हैं, मुत्तकी इंसान छुप छुप कर रब की इबादत करने वाला होता है। मुत्तकी इंसान लोगों के सामने जितनी इबादत करता है ना, उससे ज़्यादा वो छुप छुप कर इबादत करता है। मुत्तकी इंसान लोगों के सामने जितना नेक नज़र आता है, उससे कहीं ज़्यादा उसकी नेकियाँ तन्हाइयों में बंद कमरों में हुआ करती हैं। मुत्तकी इंसान की इनफिरादी इबादतें होती हैं, अल्लाह से उसका इनफिरादी ताल्लुक होता है। मुत्तकी इंसान माह रमज़ान में अल्लाह से इनफिरादी ताल्लुक को भी मजबूत करना है और इज्तमाई ताल्लुक को भी मजबूत करना है। इज्तमाई ताल्लुक क्या है? रमज़ान में तरावी की नमाज हम सब मिलके इज्तमाई तौर पे पढ़ते हैं, यह अल्लाह से इज्तमाई ताल्लुक को मजबूत करने का जरिया है। और इनफिरादी ताल्लुक क्या है रमज़ान में? तन्हाई की ताल्लुक क्या है रमज़ान में? एतिकाफ की इबादत। आखिरी अशरे में हम एक किनारे में बैठकर, पर्दे के आड़ में बैठकर, गोशा नशीनी इख्तियार करके एक अल्लाह के लिए दुनिया से कट जाते हैं, ये तन्हाई की इनफिरादी इबादत को अल्लाह से मजबूत करना है। तो गोया रमज़ान में अल्लाह से इज्तिमाई और इनफिरादी ताल्लुक को मजबूत करना है, ये इसीलिए सबक देने के लिए आता है। तो तकवा इसका तकाजा क्या है? अल्लाह से ताल्लुक इज्तिमाई और इनफिरादी दोनों एतबार से मजबूत करना है, और तन्हाइयों में बैठ के अल्लाह की इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करना है। इसी तरीके से हजरात तकवे का एक अहम तरीन तकाजा ये भी है, बंदगी के रास्ते में आने वाली तकलीफ़ों को बर्दाश्त करना है, बंदगी के रास्ते में आने वाले मशक्क़तों को सब्र से खैर मकदम करना है। वैसे हमारा दीन बहुत आसान है, इस्लाम हमारा बहुत आसान दीन है। आसान का मतलब ये नहीं कि इसमें बिल्कुल तकलीफ़ नहीं है। इस्लाम में इताअत करते हुए, इबादत करते हुए कुछ तकलीफ़ों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। ज़िंदगी में अल्लाह रसूल की इताअत करते हुए छोटी मोटी तकलीफ़ों को बर्दाश्त कर लो, वरना कल क़यामत के दिन जहन्नम की तकलीफ़ों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। ज़िंदगी में अल्लाह की बंदगी करते हुए आने वाले तकलीफ़ों पर सब्र करो, वरना कब्र में तकलीफ़ों को सब्र करना पड़ेगा, क़यामत के तकलीफ़ों को सब्र करना पड़ेगा, जहन्नम के अज़ाबों में सब्र करना पड़ेगा। और जहन्नम के जो अजाब हैं, क़यामत के जो अजाब हैं, कब्र के जो अजाब हैं, ये इतने ख़तरनाक अजाब हैं, उसके सामने बंदगी की तकलीफ़ बेमाना है। बंदगी की तकलीफ़ कुछ नहीं है, नमाज की तकलीफ़ कुछ नहीं है, रोज़े की तकलीफ़ कुछ नहीं है। अगर तुम नमाज के लिए तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं करोगे, रोज़ा रखने के लिए तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं करोगे, तरावी पढ़ने के लिए तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं करोगे, कुरान पढ़ने के लिए तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं करोगे, तो मुझे बताओ क्या आप जहन्नम की तकलीफ़ों को बर्दाश्त कर पाओगे, कब्र की तकलीफ़ों को बर्दाश्त कर पाओगे? अगर नहीं कर पाओगे तो इन छोटी तकलीफ़ों पर सब्र करो। तो तकवे का तकाजा यह है कि बंदगी के रास्ते में आने वाली तकलीफ़ों को बर्दाश्त करो। रमज़ान यही इम्तिहान लेने के लिए आया है, कौन तरावी की नमाज में पैरों के दुखने के बावजूद सब्र करता है, रमज़ान में रोज़ा रखकर भूख प्यास की तकलीफ़ को कौन बर्दाश्त करता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, रमज़ान क्या गैर रमज़ान क्या, अल्लाह के नबी रमज़ान से ज़्यादा गैर रमज़ान में रोज़ा रखा करते थे, नफिल रोज़े। और अल्लाह के नबी तरावी की नमाज, तहज्जुद की नमाज इतनी लंबी रकातें क़ियामुल लैल किया करते थे, आपके पैरों में वर्म आ जाता था। बुखारी के अल्फाज हैं, हत्ता ततफत्तर कदमा, इतनी लंबी रकातें, इतनी लंबी रकातें अदा करते थे, अल्लाह के नबी के पैर फूल जाते और फूट जाते थे। अल्लाहु अकबर, बंदगी के रास्ते में जन्नत को हासिल करने के लिए ज़रा तकलीफ़ को बर्दाश्त करो। तकलीफ़ को बर्दाश्त करना है,
अजी गैर मुस्लिम हजरात पत्थरों की पूजा करने वाले हाँ कितनी तकलीफ उठाकर वो अपनी बंदगी अपने खुदाओं की करते हैं। हम तो सात आसमान वाले सातों जमीन वाले परवरदिगार पालनहार की इबादत करने वाले अगर तकलीफ बर्दाश्त ना करें तो फिर हम कैसे मुसलमान हैं बताओ, हम कैसे ईमान वाले हैं बताइए। हजरात गिरामी देखिए, दुनिया के बहुत सारे मामलात में हम सब्र कर लेते हैं, दुनिया में बहुत सारी बातों में हम सब्र करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सब्र क्या है? अल्लाह के लिए करना है। अल्लाह ने फरमाया वली रब्बी का फसबिर, तुम अपने परवरदिगार के लिए सब्र करो, अल्लाह के लिए तुम सब्र करो। इसी तरीके से हजरत तकवे का एक तकाजा क्या है? अल्लाह के बंदों के हुकूक अदा करना है। एक होता है हुकूकुल्लाह, अल्लाह के हुकूक, एक होता है हुकूकुल इबाद, बंदों के हुकूक। हम क्या करते हैं, हमसे गलती ये होती है कि तकवे के सारे तकाजों को हम इबादतों में तलाश करते हैं, तकवे को हम सिर्फ नमाज में तलाश कर रहे हैं, तकवे को हम सिर्फ रोजे में तलाश कर रहे हैं, तकवे को हम सिर्फ तिलावत में तलाश कर रहे हैं, तकवे को हम सिर्फ हज उमरा कुर्बानी में तलाश कर रहे हैं। सच है कि नमाज पढ़ना तकवा है, तरावी पढ़ना तकवा है, तहज्जुद पढ़ना तकवा है, लेकिन याद रहे तकवे का आधा हिस्सा अगर अल्लाह से उसकी इबादत से ताल्लुक रखता है तो तकवे का बाकी आधा हिस्सा अल्लाह के बंदों से ताल्लुक रखता है। आप मस्जिद में जाके नमाज पढ़ रहे हैं, मार्केट में जाके झूठ बोल रहे हैं, आप मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ रहे हैं, मार्केट में लोगों को धोखा दे रहे हैं, आप मस्जिद में जाके नमाज पढ़ रहे हैं, घर में माँ बाप के हुकूक अदा नहीं कर रहे हैं, आप मस्जिद में जाके नमाज पढ़ रहे हैं, घर में बीवी के हुकूक अदा नहीं कर रहे हैं, आप मस्जिद में जाके नमाज पढ़ रहे हैं, बाहर रिश्तेदारों अजीज व अकारिब के साथ आपके ताल्लुकात उस्तवार नहीं है, तो मुझे बताओ आप कैसे मुत्तकी हैं? तकवे का मतलब सिर्फ दाढ़ी टोपी बुरका रोजा नमाज हज कुर्बानी नहीं, तकवे का आधा हिस्सा अल्लाह से ताल्लुक रखता है, तो तकवे का बाकी आधा हिस्सा अल्लाह के बंदों से ताल्लुक रखता है। लिहाजा अल्लाह के बंदों, अल्लाह से अल्लाह के बंदों से ताल्लुकात को उस्तवार करो, अल्लाह के बंदों से अच्छे ताल्लुकात अच्छे मेल मिलाप रखो। ये पैगाम भी रोजे की इबादत हमें देती है, रोजे की इबादत हमें देती है, रोजा एहसास दिलाता है जब भूख से हम तड़पते हैं, जब भूख से हम तड़पते हैं, प्यास से हम तड़पते हैं, तो ये एहसास एक और एहसास को जन्म लेता है, ये एहसास एक और एहसास को जन्म देता है, भूख का एहसास। मालदार आदमी साल के 11 महीने पेट भर खाता है, उसे गरीब की तकलीफ क्या है मालूम नहीं होती, गरीब की तकलीफ क्या है मालदार को मालूम नहीं होती। जब यही मालदार रमजान में रोजा रखता है, भूख की तकलीफ उसे सताने लगती है, तब उसे पता चलता है एक महीना मैं भूख को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं, बेचारे उन गरीबों पर क्या गुजर रही होगी जिनके 11 महीने भी मेरे रमजान की तरह गुजरते हैं। गोया रोजा हमको ये पैगाम देने के लिए आया है कि अल्लाह के बंदों का ख्याल करो, गरीबों का ख्याल करो, मिस्कीनों का ख्याल करो, बेवाओं का ख्याल करो, यतीमों का ख्याल करो, बेआसरा को आसरा दो, बेसहारा को सहारा दो। हमदर्दी का महीना है ये, गमखारी का महीना है ये, लिहाजा ये बहुत बड़ी इबादत है बंदों के हुकूक अदा करना। इसी तरीके से हजरात यहाँ एक बात हमें याद रखने की ये है कि हमारे पास ख़वातीन से एक गलती ये होती है, हमारे घरों में कुछ बूढ़े लोग रोज़ा नहीं रख सकते, बीमार लोग माजूर लोग होते हैं रोज़ा नहीं रख सकते, अब उनका ख्याल नहीं किया जाता रमज़ान में, कहती हैं हमारी माँ बहनें हम मैं रोज़े से हूँ मैं किसी का ख्याल नहीं कर सकती, रूखा सूखा जो भी बचा कुचा उनको दे देते हैं। नहीं, घर में जो बड़े लोग हैं, बड़े लोगों की मौजूदगी घरों के लिए बरकत है, उनका ख्याल करना ये अपना ख्याल करने के बराबर है। वहल तुरज़कून व तुनसरून इल्ला बिज़ुआफाइकुम, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की मदद जो तुम्हें मिल रही है वो तुम्हारे कमज़ोरों का ख्याल करने की वजह से, घर में जो माजूर लोग हैं बीमार लोग हैं उनकी खिदमत कीजिए रमज़ान में, उनको बेयारो मददगार नहीं छोड़ना है, उनको अच्छा खिलाना और पिलाना उनका ख्याल करना है।
और आखिरी बात देखिए हजरत, माह रमज़ान ये तकवे का सिलेबस है, तकवे का निसाब है माह रमज़ान। कुरान की आयत हम पढ़ते हैं, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास। रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान को उतारा है, ये लोगों के लिए हिदायत है। कुरान हुदल लिन्नास भी है और हुदल लिल्मुत्तकीन भी है, लोगों के लिए हिदायत भी है, लोगों के लिए तकवा भी, तकवे का सामान भी है कुरान। ये निसाब, कुरान का निसाब, ये रमज़ान का निसाब आपको बताएगा रब को कैसे राज़ी करना है। रमज़ान का निसाब आपको बताएगा कि बंदों के हुकूक कैसे अदा करना है। रमज़ान का निसाब आपको बताएगा बंदगी की राह में तकलीफ़ों को कैसे बर्दाश्त करना है। रमज़ान का निसाब आपको बताएगा नफसानी ख्वाहिशात को कैसे कंट्रोल करना है। ये रमज़ान का निसाब आपको बताएगा कि झूठ से कैसे बचना है, ज़ुबान की हिफाजत कैसे करना है। रमज़ान का निसाब आपको बताएगा गरीबों के साथ कैसे हमदर्दी करना है। रमज़ान का निसाब आपको बताएगा अल्लाह से ताल्लुक़ कैसे मजबूत करना है, मस्जिदों से ताल्लुक़ कैसे मजबूत करना, कुरान से ताल्लुक कैसे मजबूत करना है। हजरात, रमजान हमेशा नहीं रहता, रमजान में हमको तरबियत हासिल करना है। और रमजान में जो तरबियत मैं और आप हासिल करते हैं ना, इसी तरबियत को बाकी 11 महीनों में अगर हम बाकी रखेंगे ना, तभी चलकर हम मुत्तकी बन सकते हैं। रमजान में नेक बन गए, रमजान के बाद फिर पुरानी ज़िंदगी पे हम उतर आ जाएं तो फिर रमज़ान की सारी इबादतें बेकार हो सकती है। तो लिहाजा रमज़ान का सबसे बड़ा मैसेज यही है, हम मुत्तकी बन जाएं, तकवे वाले बन जाएं, परहेज़गार बन जाएं। जैसे डॉक्टर कहता है ना, तुमको फलां बीमारी आई है, मीठा नहीं खाना, नमकीन नहीं खाना, खट्टा नहीं खाना, वैसे ही अल्लाह ताला सबसे बड़ा डॉक्टर है, वो बताता है हलाल ये है, हराम ये है, जायज़ ये है, नाजायज़ ये है, करना क्या है, नहीं करने का क्या है। इन सब चीज़ों का नाम तकवा है। जो हलाल है उसकी तरफ हमारे कदम बढ़ें, जो हराम है उससे हम बच जाएं, जो जायज़ हैं उसकी तरफ हम आगे बढ़ें, जो नाजायज़ हैं उससे बच जाएं, जो गुनाह है हम उनसे पीछे हो जाएं, जो नेकियां हैं उस पर हम आगे बढ़ जाएं। जैसे हम परस करना कहते हैं, परहेज़ करते हैं ना, फलां 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 चीज़ से परहेज़ करते हैं, इसी परहेज़ का नाम तकवा है। ज़िंदगी में कदम कदम फूक फूक कर रखना है, ज़िंदगी में एक एक लफ्ज़ तोल तोल के बोलना है, इसी का नाम तकवा है। रमज़ान यही पैगाम देने के लिए हम सबको आया है। दुआ है अल्लाह सुबहान व तआला से, अल्लाह ताला हम सबको तकवे और तहारत की ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, परहेज़गारी अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हर जगह हर वक्त हर आन अल्लाह से डरने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, हमारे जो बंदे रोज़ा रखे हैं उनके रोज़ों को कबूल फरमा, जो रोज़ा रखने से रह गए हैं उनको रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो तरावी पढ़ रहे हैं उनको हिम्मत अता फरमा, अल्लाह जो तरावी से रह गए हैं उनको भी तरावी का एहतमाम करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो कुरान पढ़ते हैं उनको आसानी के साथ ख़त्म करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रमज़ान में सदक़ा व खैरात में आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमा, खिलाने पिलाने में आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमा, हमदर्दी करने में आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, हम में से जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिल अता फरमा। इलाही, जो लोग इंतकाल हो चुके हैं जन्नतुल फिरदौस में उनका आला मकाम अता फरमा। ऐ अल्लाह, करोना वायरस की वजह से ये वबा जो फैली हुई है, लोग इससे परेशान हैं, हैरान हैं, ऐ अल्लाह हम सबको इस परेशानी से, इस वबाई बीमारी से हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह अपने अमन अमान में हमको रखने की तौफीक अता फरमा, दुनिया में दीन को जिंदा फरमा, इस्लाम का बोल बाला फरमा, हक को सरबुलंदी अता फरमा, बातिल को नेस्त नाबूद फरमा, कुफर व शिरक का खातिमा फरमा, जालिमों के जुल्म से, दुश्मनों की दुश्मनी से हमारी हिफाजत फरमा, सच्चे पक्के मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमा, ईमान और शांति की ज़िंदगी हमको नसीब फरमा, जब हमें मौत आए तो ज़ुबानों पर कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह जारी फरमा। आमीन। बारक अल्लाह लना व लकुम फिल कुरान अलअज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिमा फ़ीही मिनल آتي والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف الرحيم رب حليم।